नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। खटीमा वन रेंज के अंतर्गत छिनी गोठ के टनकपुर गांव में इस वक्त गेहूं की फसल खड़ी है। गेहूं की फसल को हाथियों द्वारा लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि फसल को बचाने हेतु वायर फर्निशिंग कार्य किया जाए ताकि हमारी फसल व हमारी जान को बचाया जा सके। ग्रामीण प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि लगातार हाथियों का आतंक फसल पर हो रहा है। अब तो हमें फसल के साथ साथ अपनी जान का खतरा भी बना है। जल्द से जल्द यहाँ पर वायर फर्निशिंग का कार्य किया जाए। हमारे द्वारा कई बार प्रधान को शिकायत की गई है लेकिन प्रधान द्वारा हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। इस पर मीडिया से रूबरू होते हुए संतोष पंथ SDO वन विभाग खटीमा द्वारा कहा गया कि यह वन तराई क्षेत्र है जहाँ लगातार जंगली जानवर सक्रिय रहते हैं। जंगली जानवरों में हाथी सबसे अत्यधिक इस क्षेत्र में पाया जाता है और अधिकांश आबादी जंगलों के किनारों पर बसी हुई है, जिस कारण जंगली जानवर जंगल से निकलकर खेतों तक पहुंच जाते हैं। इस पर वन विभाग द्वारा लगातार गश्त की जा रही है, जहां पर फोर्स कार्य नहीं किया जा सकता। संवेदनशील है उन जगहों पर वायर फर्निशिंग का कार्य भी हमारे द्वारा किया जा रहा है, इसका भी जल्दी संज्ञान लिया जाएगा। जैसे कि ये जंगल तराई का है तो वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है, विशेषकर हाथी का ये प्रिय क्षेत्र है, क्योंकि अधिकांश आबादी जो है जंगलों के किनारे ही निवासित है, जिस कारण ये बार बार देखा जा रहा है कि हाथी का आवागमन वन क्षेत्र से होता है, जिसके लिए वन विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और लगातार ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों पर गश्त इत्यादि की जा रही है। कई जगह हमने सोलर फेंसिंग भी प्रस्तावित की है और इस संबंध में जहाँ पर भी ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पर स्टाफ के माध्यम से कार्रवाई। मेरा प्रकाश चंद्र जोशी, मैं छिनी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। समस्या साहब मुझे ये है कि मैं हाथियों से बहुत दुखी हो गया हूं और कम से कम जब भी धान की फसल हो या गेहूं की फसल हो, सारा पैसा लगाने के बाद जूद भी हमें एक दाना मंदिर में चढ़ाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। अगर उसको हांकने के लिए जाओ तो उल्टा हमको जो है हमारे ऊपर वार करने की सोच रहा है वो। जैसे तैसे हम लोग बच बचा जाते हैं लेकिन ये कब तक, इसलिए हमें सरकार से हमारा निवेदन है, वन विभाग से हमें निवेदन है कि हमें एक फेंसिंग यहाँ पर जरूरी मतलब है करना, और नहीं तो न शायद हो ये तो फसल तो पता नहीं क्या हो जाए। कभी कभार रात बिरात में अगर हो ना सके हम अपनी जान ना गंवाएं। प्रधान से एक बार नहीं दो तीन बार कह दिया है। प्रधान जी को हमने यहाँ से फोटो भेजी, उनको घर से बुला करके भी गाँव पूरे ये खेत की धानों के टाइम में भी हमने मतलब उससे फ़ोटो ली। जब ये पानी भर जाता था तो तब भी हमने फ़ोटो ली, सब कुछ करा मतलब, लेकिन वहाँ हूँ तो कहते ही हाँ हूँ सभी कहते हैं, लेकिन जिसको भूख लगती है वही जानता है ना। विभाग का पूरी टीम आने के बाद भी उस समय भी हमने वन विभाग यहाँ आई थी, निरीक्षण में आई थी और सब जगह उन्हें निरीक्षण भी किया यहाँ, मतलब मुझे मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं उसमें बल्कि धान की फसल थी, उसमें अभी कहा उनसे, बोला ठीक है फेंसिंग लगवा देंगे लेकिन अभी सुना की चीज़ नहीं ली। आज कम से कम कल भी हाथी आया था, परसों भी हाथी आया था, वो लगातार ये परसों आप खुद देख रहे हैं खेत में तो कुछ रखा ही नहीं है। यहाँ चाहते हैं कि हमें फेंसिंग की सख्त ज़रूरत है जी।